एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। शिवराजपुर इलाके में रविवार की रात अनवरगंज कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे पटरी पर रखी गैस सिलेंडर से टकरा गई। इससे तेज धमाका हुआ। यात्री समेत आसपास के लोग सहम गए। चालक ने मौके पर ही ट्रेन रोक दी। रेलवे के तमाम अफसरों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पटरी से कुछ दूरी पर सिलेंडर के अवशेष और पेट्रोल से भरी बोतल समेत अन्य संदिग्ध चीजें बरामद की है। पुलिस के अनुसार ट्रेन पलटाने की साजिश के तहत सिलेंडर को रेलवे पर रखा गया था। दरअसल शिवराजपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात करीब 8:30 बजे कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस 141117 अनवरगंज कासगंज रूट से गुजर रही थी। इस दौरान ट्रेन ने जैसे ही मुंडेरी क्रॉसिंग को पार किया, उसी दौरान पटरी पर रखा एक एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकरा गया। इससे तेज धमाका हुआ। लोको पायलट ने ट्रेन को तुरंत वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी रेलवे के अफसरों को दी गई। कुछ ही देर में रेलवे के तमाम अफसरों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके की जांच पड़ताल की गई। कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने घटना स्थल के आसपास का निरीक्षण शुरू किया तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक एलपीजी सिलेंडर, माचिस और पेट्रोल से भरी बोतल मिली। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से इन सभी चीजों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आज कानपुर एडीजी रेलवे प्रकाश डी का बयान, कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, बहुत ही जल्द इसमें कार्रवाई होगी। बहुत ही गंभीर घटना है, घटना को उतनी ही गंभीरता से हमने लिया है। एडीजी रेलवे ने कहा कि बहुत ही जल्द घटना का पर्दाफाश होगा। घटना से संबंधित सूचना लोग जीआरपी के कंट्रोल रूम नंबर पर दे सकते हैं। लापरवाह सूचना देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। लोग सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, एटीएस, एसटीएफ, सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जीआरपी की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94-54-40-25-44 9454-02544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा। जो लाभभद्र सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह की घटना हुआ है, आपको लगता है सोची समझी को अरेस्ट किया जा चुका है? डिरेल करने की साजिश थी, पूरा प्लान। ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है।